हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में आप कैसे फ़ोन को आप रिबूट कर सकते हैं अभी बिना बटन्स के। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि विदाउट बटन फ़ोन को आप कैसे रीबूट कर पाएंगे अपने फ़ोन को, और बिना बटन्स के आप कैसे रीबूट कर सकते हैं इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो फ़ोन को, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में फ़ोन को आप रिबूट कर सकते हैं बिना बटन्स के, और कैसे रिबूट कर पाएंगे फ़ोन को। तो आप देख सकते हैं कि सिंपली आपके पास सेटिंग्स आती है स्पेशल फंक्शंस पे चले जाना है, जहाँ से आपको स्लाइड करना है, एक्सेसिबिलिटी पे जाना है, जहाँ से एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे चले जाना है। तो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे जाकर फ़ोन को आप रिबूट कर सकते हैं अपने फ़ोन को, और रिबूट कर पाएंगे अपने फ़ोन को जब आप करना चाहते हैं। सिंपली इस तरीके से इसको ऑन करना, अलाउ कर देना है। गो इट ऑप्शन होते ही आपके पास एक ग्रीन शॉर्टकट्स आ जाएगा, जिसके ज़रिए फ़ोन को आप रिबूट कर सकते हैं और कर पाएंगे और फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं। इसमें से आपके पास पावर आई शॉर्टकट्स आ जाएगा, और स्क्रीन शॉर्टकट्स पे क्लिक करके फ़ोन आपका रिबूट हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करके फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं अपने इन्फिनिक्स फ़ोन को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।